और ऐसे स्ट्रक्चर डायवर्जेंस के नतीजे में इवॉल्व होते हैं जबकि एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि बेसिक प्लान के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट हैं बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन यानी ऐसे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एवोल्यूशन कन्वर्जेंट से क्या है अगर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स एक जैसा फंक्शन अडॉप्ट कर लें तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स विंग्स और बर्ड्स के विंग फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई और बर्ड्स का जो विंग है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन अगर हम बर्ड्स के विंग को एक बटरफ्लाई के विंग के साथ कंपेयर करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली totally डिफरेंट है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव सिमिलर अपेयरेंस यानी बाहिर ये एक जैसे नजर आते हैं नॉट इवॉल्व टूगेदर यानी अगर हम इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल हम बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स की बात करें तो इनकी एवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करें तो इनकी एवोल्यूशन एक साथ नहीं हुई दोनों की जो एवोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट हुई है तो तमाम जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हैव सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, बट देयर एवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री जो होमोलॉग स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये सेम ओरिजिन रखते हैं ये सेम एंसेस्टर्स से इवॉल्व होते हैं लेकिन जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं इनका एंसेस्टर सेम नहीं है ये सेम जो एंसेस्टर है उसको शेयर नहीं कर रहे होते इनकी जो सिमिलैरिटी है जस्ट मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर होती है। उसके बाद आम पर जब हम सुपरफिशियल बेसिसेक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं उसकी बेस के ऊपर एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं लेकिन इस किस्म की जो क्लासिफिकेशन होती है ये अथेंटिक क्लासिफिकेशन नहीं होती उसके बाद एनालॉग स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो एनालॉग स्ट्रक्चर्स की हमने एक एग्जाम्पल जो पढ़ी ये इंसेक्ट और बर्ड्स के विंग्स की थी इसी तरीके से फिन ऑफ फिश एंड पेंगुइन, इन के दरमियान में भी जो रिजेंबलेंस है ये सिर्फ सुपरफिशियल रिजेंबलेंस है इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता इसी तरीके से लिम्स ऑफ ह्यूमन हॉर्स एंड डॉल्फिन इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो यहां पे शार्क के फिन को दिखाया गया है पेंगुइन के विंग और इसी तरीके से डॉल्फिन के फ्लिपर को दिखाया गया है तो यहां पे जो सिमिलैरिटी है इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन जो है इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो जस्ट सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडी के अंदर सिमिलैरिटी है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन होती है अब इसके अंदर जो सीक्वेट, शार्क सील पेंगुइन और इथायोसार ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन है लेकिन अगर इन ऑर्गेनिजम्स की हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो ये डिफरेंट लिनिएज से बिलोंग करते हैं इनके अंदर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है इनके अंदर ये जो है वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो बहुत सारे फिजोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर भी सिमिलैरिटी हो सकती है लेकिन ये जो सिमिलैरिटी है ये भी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है और ये इवन जो ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है वो भी सुपरफिशियली एक दूसरे से रिज़ेंबल कर सकता है मसलन अगर हम एग गार्डिंग बिहेवियर की बात करें तो कोबरा स्टिकलबैक ऑक्टोपस स्पाइडर्स ये तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने जो एग्स है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं अब इन तमाम ग्रुप्स को अगर हम डिटेल से स्टडी करें इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो इन तमाम ऑर्गेजम के दरमियान में ये गार्डिंग बिहेवियर है ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है ये तमाम ग्रुप डिस्टेंटली रिलेटेड है लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर इन्होंने अडॉप्ट किया जो कि तमाम ऑर्गेजम्स के दरम्यान में सिमिलर है तो इस किस्म का जो बिहेवियर है ये भी एनालॉगस की एग्जाम्पल है